गाइस देखो कैमरास ना बहुत सारे तरह तरह के हमने यूज किए हैं, बट दिस इज समथिंग स्पेशल। एकदम नया नया आया है DJI का Osmo Pocket 3 और हमारे पास में है इसका क्रिएटर कॉम्बो। तो आज इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि आजकल के इस इंस्टाग्राम रील वाले जमाने में ये कैमरा कैसे हेल्प कर सकता है और व्लॉगिंग के लिए मेरे ख्याल से दिस इज रियली फैंटास्टिक। दिल से आगे बढ़ते और पता लगाते हैं Osmo Pocket 3 का क्रिएटर कॉम्बो कैसा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो मैं मतलब बताऊं कि सामान ना बहुत सारा निकलता है। लेट्स सी मिलता क्या क्या है अंदर। देखो हमको इतना सारा सामान मिल गया है इस क्रिएटर कॉम्बो में। आपको बता दूं सबसे पहले हमारे पास में है ये DJI का Osmo Pocket 3 अपने इस छोटे से स्क्रीन के साथ में, और काफी इंटरेस्टिंग सेटअप रहने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ एक हार्ड शेल केस है इसको, जहां पे आप ऐसा प्रोटेक्ट करके बड़े आराम से जो है वो स्टोर कर सकते हो, विच इज वेरी यूजफुल। देन एक ट्राइपॉड है छोटे वाला जिसको आप नीचे अटैच कर सकते हो इसको स्टेबलाइज करने के लिए। ट्राइपॉड को अटैच करने के लिए ये हमको एक जो है साथ में मिल गया अटैचमेंट, जिसके थ्रू आप इसको चार्ज भी कर लोगे और ट्राइपॉड यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास में एक एक्सटेंडेड बैटरी का भी इसके अंदर साथ में एक नीचे हमको मिल गया अटैचमेंट, तो आप इसको ऐसे अटैच करके बैटरी को बढ़ा लोगे और इसके अंदर भी आप नीचे ट्राइपॉड को लगा सकते हो। उसके बाद में हमारे पास में है ये एक वाइड एंगल लेंस का अडैप्टर, जो कि मैग्नेटिकली बड़े आराम से यहाँ पे से चिपक जाएगा और इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है उसको और ज्यादा वाइड कर देगा। फिर हमारे पास में एक USB-C केबल, एक लैनयार्ड हाथ में इसकी ग्रिप को मजबूत करने के लिए। हमारे पास में DJI माइक 2 का ट्रांसमीटर है और ये ट्रांसपेरेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजाइन के साथ में आता है, जहां पे ये डायरेक्टली इसके साथ में पेयर्ड है, मतलब बड़े आराम से। तो आपको सीधा इसको अपने पास में क्लिप करना है। ये मैग्नेट भी हमको मिलता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और आप आपका ऑडियो सीधा इसके अंदर काफ़ी एनहांस तरीके से जो है वो पेयर कर पाओगे। और साथ में एक विंड के लिए भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है अगर ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हों। देन वी हैव सम रीडिंग मटेरियल्स, साथ में ये दो चूर्ण हैं अगर यूज़ करना हो तो, बट बिल्कुल मत करना, बहुत खतरनाक होता है, दिस इज सिलिका जेल। एंड इस बहुत ही अच्छी क्वालिटी के केस में प्रॉपर सेक्शंस बने हुए, एक साथ पैक कर सकते हो बड़े आराम से। सो गाइज, दिस इज द DJI Osmo Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। ऑन करते हैं और फिर बातें करते हैं, और ऑन करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये ऐसे किसी रोबोट की तरह ऑन होता है। हैव अ क्लोजर लुक, फिर हम देखते हैं कि आखिर इसके अंदर फीचर्स क्या क्या हैं। गाइस देखा आपने मतलब कितना मैजिकल सा इसका एक्सपीरियंस है छोटा सा, और मैंने इसको हालांकि वैसे थोड़ा सा भी एक्सटेंड किया है ये ट्राइपॉड का नीचे जो है सिस्टम लगा के, तो मतलब ऐसा कुछ ये सेटअप बन जाता है। आपकी मर्जी है तो आप इसको इतने छोटे फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको एक्सटेंडेड बैटरी या ट्राइपॉड की जरूरत नहीं है तो। अब ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस बन जाता है, बिकॉज सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास में एक 2 इंच का डायगोनल स्क्रीन है और इसको ऑन करना बड़ा आसान है, बिकॉज आपको स्क्रीन को ना फ्लिक करना है ऐसे, और देखो ये भी सीधा ऑन हो गया है और मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ बड़े आराम से, बिकॉज मैंने इसके अंदर मोड चूज किया हुआ है कि ये सीधा फ्रंट मोड पे आ जाएगा द मोमेंट आई टर्न इट ऑन। तो फॉर एग्जांपल अगर इसको टर्न ऑन करूंगा यहाँ पे तो देखो सीधा ऑन हो गया है एंड आई कैन रिकॉर्ड माई सेल्फ इंस्टेंटली। तो ये जो इसका ऑप्शन है पहली बात तो बड़ा कमाल है। दूसरी बात हमारे पास में जो सेंसर है, दिस इज अ 1 इंच सेंसर इस साइज में, तो मतलब आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है, लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। ये 20mm इक्विवेलेंट लेंस के साथ में आता है। अगर आप चाहो तो ये जो मैं आपको बता रहा था ना वाइड एंगल वाला लगा के थोड़ा सा इसको और वाइड कर सकते हो। हमारे पास में 4K 60fps तक वीडियोज को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है। अगर आप स्लोमो रिकॉर्ड करते हो तो 4K 120fps में आप इससे वीडियोज को रिकॉर्ड कर सकते हो, और आप इनफैक्ट वर्टिकल वीडियोज भी रिकॉर्ड कर सकते हो अप टू 3K 60fps में। साथ में हमारे पास में ऑन बोर्ड जो है वो मल्टीपल माइक्रोफोन्स, अगर आप देखोगे तो इस तरफ भी माइक है, पीछे भी है और साइड में भी है, बट अगेन जो आपने वो छोटा सा माइक था उसको लगाया तो आप अपना ऑडियो सीधा इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी से रिकॉर्ड कर पाओगे। अगर हम बाकी बात करते हैं तो नीचे हमारे पास में एक USB-C पोर्ट है,
चार्ज है, उसको सीधा यहीं से कर सकते हो। अगर आपने ऐसी ग्रिप को यूज़ किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको लगा लिया ऐसे, तो आप सीधे इस ग्रिप को पीछे यहाँ से चार्ज कर सकते हो बड़े आराम से। इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी इजी। साथ में हमारे पास में साइड में एक माइक्रो एसडी स्लॉट है। मैंने यहाँ पे जो है एक 1 TB का कार्ड लगा दिया है, तो मतलब यू नो आई कैन रिकॉर्ड एंडलेसली बेसिकली। और फिर अगर आप देखोगे तो काफ़ी ऐसा डिज़ाइन है जो कि एकदम फंक्शनल है, ज़्यादा कुछ आपको मिलता नहीं है। और यहाँ पे एक 5-way जॉयस्टिक है गिम्बल को कंट्रोल करने के लिए, कुछ को सेटिंग्स कंट्रोल करने के लिए, और फिर एक सिंगल बटन है रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करने के लिए और पावर ऑन ऑफ करने के लिए। पावर वैसे आप चाहो तो सिंपल इसको ऐसा फ्लिक करके ऑन और ऐसे बंद करके दोबारा से अपना बंद हो जाएगा, यू कैन टर्न इट ऑफ एज वेल। तो काफ़ी इंटुइटिव डिज़ाइन है। और इनफैक्ट DJI की माइमो ऐप है और साथ में लाइट कट अगर आप यूज़ करते हो एडिटिंग के लिए, तो आपको बहुत अच्छा वर्सेटाइल ऑप्शन मिलता है। मतलब प्रॉपर सब्जेक्ट को ट्रैक करना हो, आपने उसको जगह वैसे रख दिया है, आप सामने खड़े हो और फिर अगर आप मूव कर रहे हो तो ये आपके फेस को ट्रैक करता हुआ, बिल्कुल आपकी बॉडी को ट्रैक करता हुआ मूव करेगा, विच इज़ वेरी गुड। और मतलब सिंगल शूटिंग के लिए आप अगर अकेले कहीं पर कुछ ट्रैवल करते हुए वीडियोज आते हो ना, तो मेरे ख्याल से होल्डिंग दिस इन योर हैंड इज वेरी कॉम्पैक्ट। बैटरी जो है वो भी इनफैक्ट अप टू 166 मिनट्स तक के ऑपरेशन के साथ में आती है सिंगल चार्ज पे, और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बहुत जल्दी आप इसको क्विकली रिचार्ज कर पाओगे। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स देखते हुए लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट फॉर यू नो व्लॉगर्स या इंस्टाग्राम के ऊपर आपको रील्स बनानी है। अगर आपको खुद को शूट करना है, कैमरा आपने कहीं पर रखा है, आप सीधा अपने आप को इसमें ट्रैक में डालो और दाएं बाएं घूमते रहो, कैमरा आपको अपने आप पूरा जो है वो ट्रैक में रखेगा। तो मतलब ये सारी चीज़ों के हिसाब से बहुत सारे जो हमको इसके अंदर प्रीसेट्स मिल जाते हैं, आप इसको एज गिम्बल, क्योंकि गिम्बल लगा हुआ है तो गिम्बल समझ के यूज करो। मोबाइल फोन में क्या होता है ना कई बार कि आपको स्टेबलाइजेशन जो है उसके अंदर दिक्कत आती है, बट यहां पे आप दौड़ते भागते कूदते शूट करते हो तो स्टिल, जैसे मैं इसको दिखाता हूं आपको ऑन करके, तो देखना अभी जैसे ये है, ये देखो, लुक एट दिस, दिस कैमरा इज होल्डिंग इटसेल्फ। इसको इतना टेढ़ा कर रहा हूं और यहां से यहां लेके जा रहा हूं, हैव अ लुक एट दिस। कैमरा अपना जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है उसको नहीं छोड़ रहा है, ये पूरा का पूरा जो है फिलहाल अभी काम कर रहा है। मैं इसको अभी आपको रियर फेसिंग कर देता हूं, तो ये देखो ये मुंह भी रियर की तरफ आ गया है। अभी देखो आप, हैव अ लुक एट दिस, अगर मैं अपने आप को शूट कर रहा हूँ, मेरा कैमरा इधर गया, यहाँ से इधर गया, बट नो, इट इज़ गिविंग मी ऑल द स्टेबिलिटी। तो मेरे ख्याल से ये सारे ऑप्शंस को देखते हुए ना, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉकेट कैमरा बन जाता है फॉर व्लॉगर्स, फॉर इंस्टाग्रामर्स, उन सब यूज़ के लिए। और सबसे अच्छी बात कि जो माइक साथ में आप लगा सकते हो तो क्वालिटी तो मतलब फिर बहुत अच्छी आ जाएगी, जो भी आप देख ही रहे इनफैक्ट सारे के सारे शॉट्स इसके अलग अलग यूज़ के सिनेरियोज। तो ये सारी चीज़ें, फोटोज़ अगर आपको इसे खींचनी है तो फोटोज़ के लिए आइडियल नहीं है, बिकॉज आपको 9.4 मेगापिक्सल की फोटोज़ मिलती हैं। वैसे यहाँ पे 3x3 पैनोरमा वगैरह के ऑप्शंस हैं, बट फोटोज़ डिसेंट है, नॉट रियली अ कैमरा फॉर फोटोज़। आपको मेनली ये वीडियोज़ के अंदर हेल्प करेगा, बट क्वालिटी आई एम इम्प्रेस्ड। और DJI का ये पॉकेट 3 जो है, इससे पहले 2 और आए थे बट उसमें सेंसर छोटा था बहुत, और मतलब यू नो क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, स्टेबलाइजेशन वगैरह सब अच्छा था, बट अभी बिकॉज ऑफ 1-inch सेंसर हमारे पास में जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो गई है। और फिर हमारे पास में जो ऑप्शन है इसको ऐसे यूज़ करने का, ओ भाई, मतलब ऐसे रख दो और फिर क्या करना है, इतना सा कैमरा और सारे काम कर देगा बड़े आराम से। आई होप कि आपको पसंद आया होगा गाइज। और यहाँ पे इसकी जो प्राइस है, अगर मैं आपको वो बताऊँ तो ये इंडिया में अभी मिल रहा है कुछ वही 50-60 हज़ार रुपये के आसपास। इसके अंदर अलग अलग वर्जन हैं, एक जो है इसका स्टैंडर्ड वर्जन आता है जिसमें आपको ये बैटरी पैक नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो माइक वगैरह नहीं मिलता है, तो वो इसका स्टैंडर्ड वर्जन है। बट जो क्रिएटर कॉम्बो है इसमें आपको माइक भी मिलेगा, बैटरी पैक भी मिलेगा, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटेक्टिव केस बड़े काम का है कि जहाँ पे आपने इस कैमरा को बस खाली ऐसे रख दिया है एंड इट इज़ कम्प्लीटली सेफ नाउ टू ट्रैवल विद। आप इसके अंदर ऊपर अपना माइक भी स्टोर कर सकते हो। तो ये सब के साथ में ये है कैमरा, और मेरे ख्याल से इसको यूज़ करते हुए अब कुछ व्लॉग्स बना के शायद मैं अभी थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊँ दोबारा से व्लॉगिंग चैनल के ऊपर। ऐसे मैं आपसे मिलता हूँ सीधा अगले वीडियो में, तो आप में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।